बहुत सारी चीजें क्योंकि आपकी हमारी सबकी आती हैं बहुत कम लोग होते हैं जो रिटेलिएट नहीं करते और गुस्सा नहीं करते आपको हमने नहीं देखा कभी रिटेलिएट करते हुए अच्छा ओके यू पिक योर बैटल्स ओके अगर किसी चीज का जवाब देना होगा मैं जरूर दूंगी जिसके मुझे अगर कोई उसका वो करना होगा कि जी इसका सदेबाप कैसे हो सकता है वो मैं जरूर करूंगी लेकिन जिस जो चीज जिस चीज़ का आपके आप उतारना चाहता हूँ ये बताइए मुझे सोशल मीडिया के इन्वेजन के बाद सोशल मीडिया का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है इतना बर्बाद कर रहा है और बींग एक्टर्स एंड चूंकि हम लोग रिनाउंड लोग हैं थोड़े से Uh, हमारी तो छोटी छोटी बात को भी वो गलत लेते हैं hmm. लोग जो 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 रंग डाल देते हैं ऐसी चीज वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट मुझे दिल दुखता, दुखता है बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती या बुरी लगती हैं उनको आपको बर्दाश्त भी करना होता है लेकिन आप उनको उनके साथ किसी ने कोई बात कह दी क्रिटिसिज्म क्योंकि शायद हम शुरू से कहते आए हैं या देखते आए हैं बट इट कम्स टू क्रिटिसिज्म मैं ये जरूर देखती हूँ कि कह कौन रहा है क्योंकि आपका क्रिएटिव और पॉजिटिव uh, क्रिटिसिज्म होता है जो आपको बेहतरी के लिए किया जाता आ, है।, आ, है तो ये मुझे सुननी चाहिए आ, और अगर सिर्फ तंकीद बुराई तंकीद करेंगे तो उसका आपने अप असर नहीं लेना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो बात कहेंगे मैं उसको कहूँगी कि भाई ओके okay, नमी ने मुझे ये मशवरा दिया है या उसको ये मेरी बात अच्छी नहीं लगी उसे पिन पॉइंट किए तो आई कीप इट इन माइंड कि ना हो लेकिन अगर कोई जस्ट कोई रैंडम बंदा कोई रैंडम बात करेगा hmm. रैंडम बंदा कोई अच्छी बात भी कर सकता है आई कीपैट इन माइंड लेकिन अगर वो तो मैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी मुझे ये भी लगता है कि जो फ्रीडम है ना आजादी वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी मुंह से जो बात निकले उसके जिम्मेदार आप हैं hmm. आप एज एन एक्टर एज एज ए पर्सन यू शुड भी हुआ प्लस आप जहां भी जाते हैं अगर आप अपनी फटर्निटी को या अपनी फैमिली को अपने मुल्क को या जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं

कौन सी कोई एक आपकी ऐसी आदत है जिसको लोग अक्सर गलत कर लेते हैं वो कहते हैं कि जी बहुत इसलिए काम से काम रखती तो वो अमूमन ये होता है और बड़ी अच्छी बात है उसका पहले पहले नहीं मुझे पता था ये मेरी नेचर है ऐसी तो मैं ऐसी रहती थी बाद में मैंने इस तरह की बातें सुनी डर लगता है डर लगता है ना बाद में, में का इसको अच्छे तरीके से बात कर लूंगी अच्छा ही नहीं है ना अच्छा, मारी इंग्लिश उर्दू को क्या बोलते हैं उर्दू को इंग्लिश में उर्दू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं उर्दू को हम तो यहाँ पे अंग्रेजी भी उर्दू में ही बोलते है ना हाँ उर्दू अंग्रेजी में बोलते हैं अंग्रेजी उर्दू में बोलते हैं तो अच्छा टीचर एक और सवाल जी बेटा ये हाँ। पूछना चाह रहा है जिसने पहली बार दही बनाई थी वो दही कहा से लाया था हाँ, ये पूछना अंडा जो लेकर आया था और मुर्गी के पास <laughs> जो लेकर गया था वो साहब <laughs> साहब और मारिया आप दोनों का मैं अभी इंटेलेक्ट लेवल चेक कर रहा था बहुत मिलता जुलता है। दोनों एक है। आ, आप दोनों ना बिल्कुल नहीं मैं ये पूछना चाह रहा था सर टू बी बीमारी जी ये बात सच है आप इस बात को मानती हैं अगर लड़कियों को पता चल जाए कि मर्द दूसरी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है तो हर लड़की दूसरी बीवी बनना पसंद करेंगी

उसके अंदर बहुत सारे आप नहीं लगा सकते कंडीशंस hmm. आपके डील ब्रैकेट्स एक या दो होते हैं जो आप बता देते हैं कि भाई ये है बाकी सब कुछ जो है ना वो एडजस्ट हो सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ ये क्या खौफ है कि वन डजंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ अ रिस्क व्हेयर एज़ अ न्यू रिलेशनशिप इज कंसर्न हां इन द सेंस के अगर आप जैसे देखें ना मेरी जो बहुत करीबी दोस्त है दोस्तों की नहीं है जरूरत वो बहुत है

ये ये वाली चीजें सेल्फ रिकोगशन की हमें सिखाई ही नहीं जाती शायद हमारे उस चीज़ का हिस्सा ही नहीं है लेकिन आई थिंक इवन एज अ पेरेंट यू आर गोइंग टू बी मोर सेंसिटिव टू दीज थिंग्स वैन आपके बच्चों के बारे में, में बात आएगी या वो अपने कोई रिलेशनशिप या अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आएंगे तो आप उसको ज्यादा समझ सकते हैं और आप उनको उस तरीके से सफोकेट नहीं करेंगे जैसे शायद आप हुए हो हुए हो, बात है। रिलेशन जनरेशन टू जेनरेशन जो नहीं, फर्क आता है वो यही आता है कि वट आप जिससे गुजरे होते हैं आप उससे बेहतर बनना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपने बहन भाइयों के लिए तो वो चीज़ आगे चलती है तो यू आर अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम योर पेरेंट्स में दोबारा हाजिर होते हैं हम इंशाल्लाह हमारी आवास्ती साहिबा को कहीं जाने देंगे एक मरतबा फिर से खुश आमदेद जी सरकार में पिछले तीन सालों में बहुत सारी हमारे मीडिया में आपस में शादियाँ शुदिया कर ली है उन्होंने कहा कि किसी को तकलीफ ही न दो बात <laughs> जो करना है आपस में कर कुर लो शादी शूटिंग हो रही है दोनों का एक ही मीडिया से ताल्लुक होना किस रीजन की वजह से कर रहे हैं वो मैटर करता है